नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम सोनी और आइए देख लेते हैं इस बुलेटिन की खबर, जहां बुंदेलखंड की प्रतिभागियों को कला के रूप में उनके टैलेंट को निखारने के लिए ईगो टैलेंट शो के द्वारा छतरपुर शहर के विद्यावती महाविद्यालय में इस ऑडिशन का पहला आयोजन किया गया। ईगो क्लब टैलेंट शो के द्वारा छतरपुर से मुंबई जैसे महानगरों और फिल्मी दुनिया से जोड़ने के लिए बच्चों का टैलेंट शो के रूप में पहला ऑडिशन किया गया, जिसमें पहले राउंड में 25 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। क्योंकि इसमें कोई उम्र की सीमा नहीं है, इसलिए किसी भी उम्र का प्रतिभागी इसमें भाग ले सकता है। छतरपुर में हुई इस पहले ऑडिशन में जज के रूप में पहले दिन सौरभ कश्यप, अनुराग पटेरिया, अंजना चतुर्वेदी, विवेक सिंह व राकेश उपकार मौजूद रहे, जिसमें नन्हे बच्चों ने भी कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। हम लोग यहाँ पे एक शो आयोजित कर रहे हैं जिसमें बच्चों को जो है एक नया मंच प्रदर्शित किया जाएगा, एक ऐसा मंच जिससे जो है ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्र सारे बच्चों के बीच में जो दूरियां हैं कम्युनिकेशन की, जो लोग सोचते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, बुंदेलखंड को काफ़ी लोगों ने कहा कि यहाँ के बच्चे आगे अग्रसर नहीं हो सकते, तो उनको हम दिखाना चाहते हैं कि जी ऐसा नहीं है, यहाँ के बच्चों में भी बहुत ज़्यादा भरपूर टैलेंट भरा हुआ है। उन्हीं बच्चों को जो है आगे लाने के लिए इस शो का हमने आयोजन किया है। इस शो के आयोजन में हमने छतरपुर, खजुराहो, बमीठा, राजनगर, नौगांव सारे बच्चों को हमने जो है इस टैलेंट को प्रदर्शित करने के लिए आगे अग्रसर किया है। और जहां तक हमारा खजुराहो का ऑडिशन कम्प्लीट हो चुका है, आज हमारा राउंड 1.1 था जिसमें छतरपुर के बच्चे आए थे। अब सेकेंड बच्चों का जो होगा कल सेकेंड राउंड है जिसमें बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा और अनसेलेक्ट किया जाएगा। इसमें कोई उम्र की सीमा नहीं है, यहाँ पर कोई उम्र का विशेष व्यक्ति अपना जो है टैलेंट प्रदर्शित कर सकता है। जैसे कि हमारे खजुराहो में कुछ ऐसे विशेषज्ञ आए हैं जो 51 वर्ष के हैं, 36 वर्ष के हैं, 50 वर्ष के हैं, और कुछ जो है हमारी भाभियों में भी आए हैं जिन्होंने अपने सोए हुए मॉडलिंग को प्रदर्शित करने के लिए 30-35 की उम्र में भी चालू कर दिए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही, मिलते हैं अगले बुलेटिन में ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।